जमुई माता वैष्णो देवी की यात्रा मार्ग पर भूस्खलन का कहर, पहाड़ी का मलबा गिरने से निर्माण कार्य क्षतिग्रस्त। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में भूस्खलन की चपेट में आया श्रद्धालु, हुआ घायल। पश्चिम बंगाल में आज कल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की रेप पर हत्या के बाद बीजेपी का प्रदर्शन जारी, सिलीगुड़ी में जुटे बीजेपी के प्रदर्शनकारी। अलीपुरद्वार में बीजेपी सड़क पर उतरी, आजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का उठाया मुद्दा। अलीपुरद्वार में बीजेपी प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग, की गई पानी की बौछार। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर हुई बीजेपी, कोलकाता ने किया प्रदर्शन। अग्निमित्रा पॉल ने कहा, ममता के सीएम रहते टीएमसी के राज में नहीं हो सकती कानून व्यवस्था की स्थापना। आज से बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र, रेप विरोधी बिल पेश करेगी ममता सरकार, रेप के दोषियों को मौत की सजा देने वाला बिल कल हो सकता है पास। बंगाल विधानसभा में रेप के खिलाफ कानून लाने वाली बिल का समर्थन करेगी बीजेपी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कहा, हम बिल के साथ लेकिन सीएम के इस्तीफे की मांग रहेगी जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं से रेप मामले में फैसले पर देरी को लेकर जताई चिंता, कहा न्याय मिलने तक खत्म हो जाती है पीढ़ी और जिंदगी, अपराधी बेखौफ लेकिन पीड़िता डरी सहनी। दो दिन के भीतर 7 घटनाओं को लेकर ममता पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का वार, कहा ममता दे इस्तीफा, राष्ट्रपति शासन लगाना बंगाल की जमीनी हकीकत। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान पर कसा ईडी का शिकंजा, घर पहुंची ईडी की टीम ने अमानतुल्ला खान को किया गिरफ्तार। आप विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली स्थित घर से अपनी गाड़ी में लेकर निकली ईडी की टीम, ईडी दफ्तर लाया गया। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी। ईडी की गिरफ्त में घर से हाथ लाते हुए निकले विधायक अमानतुल्ला, बोले मैं हूं बेकसूर। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के घर आज सुबह पहुंची ईडी की टीम, 2 घंटे तक अमानतुल्ला ने नहीं खोला दरवाजा, ईडी अफसरों से होती रही बहस। कि अगर मौत नहीं होगी, मैंने आपको लिख कर दिया हुआ है, कोई हमने अभी तक आपके साथ मिसबिहेव नहीं किया, हमने सिर्फ कहा, सुन लीजिए ना। 2 घंटे इंतजार के बाद ईडी को अमानतुल्ला के घर बुलानी पड़ी पैरा मिलिट्री फोर्स, तब जाकर घर में दाखिल हो सकी ईडी की टीम। घर में ईडी की टीम ने 4 घंटे तक अमानतुल्ला से की पूछताछ। ईडी के एक्शन पर अमानतुल्ला खान का बयान, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, फर्जी मामले में फंसाया जा रहा है। ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं, पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं। अमानतुल्ला खान पर ईडी के एक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी का केंद्र सरकार और ईडी पर हमला, कहा तानाशाही जारी। आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आपकी जांच है, एक मामले की 3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच कर रही है, 2 एजेंसी की जांच में कुछ मिला नहीं, आपकी जांच में कुछ आज तक साबित हुआ नहीं। संजय सिंह ने कहा ईडी की क्रूरता देखिए, उनकी सास के कैंसर का इलाज चल रहा है, ईडी ने सुबह सुबह धावा बोल दिया है। अमानतुल्ला खान पर ईडी के एक्शन को लेकर मनीष सिसोदिया का बयान, कहा ईडी का बस यही काम रह गया है, बीजेपी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दो। अमानतुल्ला खान के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी का ताना, जो बोएगा वही काटेगा, काश अमानतुल्ला खान को ये याद होता। कन्नौज में नाबालिग बच्ची से रेप मामले में समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव, बड़ी मुसीबत, जांच के दौरान डीएनए सैंपल हुआ मैच, फोरेंसिक जांच से गिरे एसपी नेता नवाब सिंह यादव। कन्नौज पुलिस को मिली फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच में पीड़िता से रेप की पुष्टि, पुलिस ने किया खुलासा। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है, इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज रेप मामले को लेकर यूपी में गर्म सियासत, समाजवादी पार्टी बीजेपी पर नवाब सिंह को साजिश के तहत फंसाने का लगा रही थी आरोप। जम्मू कश्मीर में आर्मी बेस के पास आतंकी हमला, जम्मू के सुजवां संतरी पोस्ट के करीब आतंकियों ने की फायरिंग। जम्मू में सुजवां संतरी पोस्ट के करीब हुए आतंकी हमले में 1 जवान घायल, हमले में 1 से 2 आतंकियों के शामिल होने की आशंका। सुजवां संतरी पोस्ट के पास फायरिंग से भागे आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज। कर्नाटक में बीजेपी नेता अरुण पुथिला पर महिला से यौन शोषण का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला।
झारखंड में एक्साइज कांस्टेबल भर्ती मामले में फिजिकल टेस्ट के दौरान 11 अभ्यर्थियों की हुई मौत। लखनऊ में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन, यूपी की राजधानी लखनऊ में जमकर बरपा हंगामा। लखनऊ में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने की मांग। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के पास चौराहे पर भर्ती शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, हंगामे के दौरान कुछ की बिगड़ी सेहत। पुलिस के तमाम प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। अभ्यर्थियों ने हाथ में दिखाई प्लेकार्ड, पिछड़े दलित आरक्षण पर नेता मौन क्यों। कांग्रेस ने उठाया सेवी चीफ का मुद्दा, पवन खेड़ा ने किया सवाल, सेवी चीफ को कौन बचा रहा है। कांग्रेस ने कहा सेवी चीफ को खुद आकर देनी चाहिए सफाई, कई जगहों से वेतन दे रही थी सेवी चीफ। सेबी की चेयरपर्सन एक महत्वपूर्ण रेगुलेटरी बॉडी की सबसे ऊंचे पद पर बैठी व्यक्ति अधिकारी तनख्वाह ले रही हैं एक और जगह से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी के चचेरे भाई ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल, सैनी के गृह क्षेत्र की विधानसभा सीट नारायणगढ़ पर ठोका खुद का दावा। मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी के चचेरे भाई सुरेश पाल नंबरदार ने नारायणगढ़ विधानसभा सीट से नारायण सिंह सैनी चुनाव लड़े या फिर उनकी पत्नी को मिले टिकट, नहीं तो मैं खुद लड़ूंगा चुनाव। यूपी के बहराइच में थम नहीं रहा है आदमखोर का आतंक, एक और बच्ची की गई जान, अब तक 10 लोगों को बना चुका है भेड़िया अपना शिकार। भेड़ियों की खोजबीन के लिए बहराइच में दिन रात उड़ाए जा रहे हैं थर्मल ड्रोन, रात होने की वजह से वन विभाग की टीम को हो रही दिक्कत। भेड़ियों से प्रभावित कछार वाले इलाके में पहुंची मुख्य वन संरक्षण रेणु सिंह, मंगलपुर में भेड़ियों की तलाशी अभियान का लिया जायजा। बुजुर्ग और बच्चों पर भेड़ियों के हमले से गांव के लोगों की उड़ चुकी है नींद, भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की टीम गांव के चप्पे चप्पे पर निगरानी में जुट गई है। सुरक्षित मद्देनजर गांव के लोगों ने संभाला मोर्चा, घर की छत और खेत की मचान से भेड़ियों की हो रही है निगरानी। अहमदाबाद में बीजेपी एमएलए नितेश राणे पर लगा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, पुलिस ने की एफआईआर। बीजेपी विधायक नितेश राणे का विवादित बयान पर माफी मांगने से इनकार। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा की फिर बड़ी मुश्किलें, सामने आया पॉक्सो एक्ट का एक और मामला। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी की छात्रा अनिका गुप्ता की मौत का मामला, मौत का कारण स्पष्ट नहीं। शरीर पर नहीं मिले कोई चोट के निशान, लंबे समय से चल रहा था दिल में छेद का इलाज। हिडन कैमरे को लेकर आज आंध्र प्रदेश में छात्रों का आंदोलन, अभिभावक और सामान्य लोग होंगे शामिल। आंध्र प्रदेश के मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश ने हिडन कैमरे के आरोपों से किया इनकार, कहा नहीं मिला पुलिस को कोई ऐसी चीज। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का हिडन कैमरे कांड पर बड़ा बयान, बोले किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, झूठी अफवाहों पर गौर करने के लिए एक विशेष समिति गठित करने की कही बात। दिल्ली नमो गंगे ट्रस्ट ने किया दिल्ली के प्रगति मैदान में सॉफ्ट इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो का आयोजन, कई नामचीन हस्तियों ने की शिरकत। सातवें इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो में आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव, केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह ने की शिरकत, नमो गंगे ट्रस्ट के चेयरमैन विजय शर्मा ने किया अतिथियों का स्वागत। चमोली में लगातार बारिश के बाद नदी नालों में आया उफान, कई सड़क मार्ग पर आया भारी मलबा। खरगोन में 12 घंटे से लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश, पहली बार कुंदा नदी उफान पर आई। खरगोन का प्रसिद्ध गणेश मंदिर तक पहुंचा पानी, कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति, कई घरों में घुसा पानी। खरगोन में बारिश से बढ़ती मुसीबतों को लेकर डीएम का फैसला, कक्ष 1 से 12 तक स्कूलों की छुट्टी घोषित। मौसम विभाग का अलर्ट, पूर्वी महाराष्ट्र, पश्चिमी यूपी, दिल्ली एनसीआर, पूर्वी हरियाणा और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका। तेलंगाना के कुछ हिस्सों को तबाह करने वाली विनाशकारी बाढ़ के बीच पानी की तस्वीर आई सामने, बाढ़ में फंसे परिवार को स्थानीय लोगों से सुरक्षित बचाया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा, अधिकारियों को दिया हर संभव मदद पहुंचाने का आदेश। सीएम चंद्रबाबू नायडू बचाव दल के साथ बोट में हुए सवार, लौटकर समीक्षा बैठक की। आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश से कई शहरों में बिगड़े हालात, विजयवाड़ा में बाढ़ जैसे हालात, वायसार कॉलोनी सबसे ज्यादा प्रभावित। सिकंदराबाद में भारी बारिश के दौरान कार और ऑटो पर गिरा भारी भरकम पेड़, मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम, लाखों का नुकसान।
तेलंगाना के खम्भम के पास मुन्नेरू नदी के पुल पर पानी आने से फंसे 9 लोग, काफी मशक्कत के बाद लोगों का हुआ रेस्क्यू। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के केसामुद्रा में बारिश से रेलवे ट्रैक को नुकसान, स्टेशन पर फंसे बड़ी तादाद में लोग। वारंगल जिले में नेकंडा वेंकटपुरम बांध पर फंसी रोड ट्रांसपोर्ट की बस, सवार थे 45 लोग, सभी का रेस्क्यू। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में पानी के तेज बहाव में फंसे एक शख्स को कांस्टेबल ताकुद्दीन और राम ने जान जोखिम में डालकर बचाया। एक घंटे की बारिश से बिहार का दरभंगा हुआ पानी पानी, शहर के सड़कों पर भारी जल जमाव, लोगों की बड़ी परेशानी। विजयवाड़ा में भारी बारिश के कारण बूदामेरू वागू नदी उफान पर, शहर के विभिन्न हिस्सों में उत्पन्न हुई बाढ़ जैसी स्थिति, लोगों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में हुई तूफानी बारिश, खेतों फसलों को पहुंचा नुकसान, यातायात पर भी असर। महाराष्ट्र के हिंगोली में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जलजमाव में फंसे कई लोग। महाराष्ट्र के नांदेड़ में लगातार बारिश के कारण पैनगंगा नदी में खतरे के निशान से ऊपर, विदर्भ और मराठवाड़ा का टूटा संपर्क, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। अमृतसर के ब्यास में मूर्ति विसर्जन करने आए 4 युवकों की डूबने से मौत, भगवान कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराने आए थे करीब 50 लोग। मुंबई के लालबाग एरिया में हुआ हादसा, एक बस ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। कांचीपुरम में एक मेडिकल कॉलेज की इमारत की 5वीं मंजिल से पूरी ट्रेनिंग डॉक्टर, अस्पताल में हुई मौत। एमपी के दमोह में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में 2 की मौत, कई घायल। हरिद्वार में बेखौफ बदमाश ज्वेलरी के शोरूम में घुसकर करोड़ रुपए की डकैती करके फरार। नोएडा में ड्रग तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद। सूरत में 10 लाख रुपए रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तारी, 11 महीने से फरार चल रहे पुलिस सब इंस्पेक्टर को एसीबी ने किया गिरफ्तार। जयपुर में ट्रेनी एसआई बेटे बेटी के बाद आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका का चढ़ा एसओजी के हत्थे, पेपर लीक मामले में हुई गिरफ्तारी। जमशेदपुर में बोंगा नदी पर बना पुल धसा, आवागमन पूरी तरह बंद। भीलवाड़ा में पुलिस सहायक सब इंस्पेक्टर रिवर्स ट्रैप में गिरफ्तार, एसीबी ने 5 लाख रिश्वत में से 1 लाख लुटाते किया गिरफ्तार, एक सिपाही फरार। सौ के बाद महिलाओं की 200 मीटर T35 क्लास में कांस्य पदक जीता, ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी प्रीति पाल को बधाई, लिखा वो भारत के लोगों के लिए प्रेरणा है, उनका समर्पण सचमुच उल्लेखनीय। पेरिस पैरालंपिक में निशात कुमार ने दिखाया कमाल, हाई जंप में जीता सिल्वर मेडल, भारत की झोली में आया 7वां पदक। पीएम मोदी ने निशात कुमार को दी बधाई, पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद T47 में जीता सिल्वर मेडल। पेरिस पैरालंपिक मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर की बात, कहा आप सबने बढ़ाया देश का मान। IC 814 विवाद को लेकर तलब किए गए नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड। पवन कल्याण आज मना रहे 53वां जन्मदिन, पीएम ने कहा पवन नहीं आंधी है ये।